हाँ भाई मुन्ना भाई, बताओ ये अपना ओपिनियन क्या करने आए यहाँ पे? अभी तो फिलहाल हम पठान मूवी देखने के लिए आए थे, लेकिन अभी काफी टाइम है, इसलिए हमने सोचा जब तक के लिए कंपनी गार्डन घूम के आते हैं। तो हम कंपनी गार्डन में आए। फ्रेंड्स, हम कंपनी गार्डन में एंटर हो चुके हैं और यहाँ पर हम फाइनली आपको दिखाएंगे कि हम जैसे ही एंटर करे थे कंपनी गार्डन के अंदर, वैसे ही एक हमारे दोस्त हैं जो कि इनका नाम सैफ है, वो हमारे साथ पढ़ाई किए थे और वो ही हमें यहाँ पर कंपनी गार्डन में मिले और उनसे मुलाकात हुई। वो भी बच्चों के साथ आए थे, एंटरटेनमेंट करने आए थे, क्योंकि 26 जनवरी का दिन था और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था कंपनी गार्डन का। ये देखें सामने की ओर जो दिख रहे हैं, ये सैफ भाई, इनसे रूबरू कराते हैं। ये बच्चे हैं, ये सैफ भाई हैं हमारे। सब तरफ भटक रहे हो, क्या बात है सभी। ये देखें हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, सैफ भाई नाम है जिनका, और ये इनके फ्रेंड्स हैं। बहुत ज्यादा मस्ती करने के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं और ये बच्चे देखें, 26 जनवरी का मौका है। छब्बीस जनवरी का मौका, ये क्या बने, क्या बने? नेता सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत बढ़िया। ये देखें मैं आपको पूरा तक घुमा के दिखाऊँ, तो काफी लोग हैं यहाँ पे। ये हमारे भाई हैं, सारे लोग उधर देखो पहले। ठीक है चल भाई, भाई का कहना है हमारे एक थोड़ा फोटो शूट हो जाए। एक खिंच गया फोटो, एक खिंच गया फोटो, आपका भी खींचने भाई। हाँ सो फ्रेंड्स, हमने फ़ोटो शूट भी किया और फ़ोटो शूट करने के बाद में जब हम आगे के लिए बढ़े और आगे हमने घूमने का इरादा किया, तो हमें पता चला कि एक फ्रेंड्स और हैं जो हमारे छोटे भाई यानी कि हसीब भाई के फ्रेंड हैं, वो भी यहाँ पर कंपनी गार्डन में घूमने के लिए आए थे। तो हमने उनसे भी मुलाकात की, चलिए हम आपको उनसे भी मिलाते हैं, उनसे भी रूबरू कराते हैं। उनसे भी कई बातें हुई और अच्छा लगा उनसे भी बात करके, तो चलिए आपको उनसे भी रूबरू कराते हैं। ये देखें आसिम भाई, ये हमारे भाई के फ्रेंड मिल चुके हैं आसिम भाई, जो बहुत ही पुराने दोस्त हैं। इधर देखें आसिम भाई, अरे आसिम भाई भागे नहीं, ये भी ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या करने आया आसिम है भाई, ऐसे घूमने? अरे सही है, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, ऐसे घूमने चलने, बहुत बढ़िया, मूवी देखने आए यार। और ये वाली लोकेशन पर ये देखें, बच्चे इंजॉय कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं यहाँ पर बच्चे, बहुत इन्जॉयमेंट। हम भी थोड़े से इन्जॉयमेंट ले लें है मुन्ना भाई, चलो भाई अपने भी देखते हैं। हाँ थोड़ा सा इन्जॉय करते हैं आप। और ऐसे ऐसे हो रही थी फ्रेंड्स। फ़ोटो शूट और झूले वगैरह झूलने के बाद में, काफ़ी इन्जॉयमेंट करने के बाद में, अब हम बाहर के लिए निकलने वाले हैं और जा रहे हैं हम पठान मूवी देखने। तो चलिए बाहर के लिए निकलते हैं। ये देखें बहुत इन्जॉय किया हमने कंपनी गार्डन में और हम जा रहे हैं बाहर के लिए। ये देखें बाहर का गेट, यहाँ से अब बाहर चलते हैं और थोड़ा बाहर घूमते हैं, शायद में पठान मूवी देखेंगे जाके। चलिए थोड़ा सा बाहर निकलते हैं कंपनी गार्डन के, बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया यहाँ पर। मुन्ना भाई थोड़ा आगे आके चलने हैं, थोड़े पीछे चलें, कितना मज़ा आया आपको थोड़ा सा बताएं भाई। मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया ना भैया। हमने टिकट ले ली है यहाँ पर, दो टिकट ली हैं पठान मूवी के। जो हमारा शो है वो 3:15 पे है, तो हम 3:15 पे जाएंगे पठान मूवी देखने और आपको फिर बताएंगे कितनी बेहतर है। फ्रेंड्स अब हम कंपनी गार्डन से निकलकर अपने थिएटर की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पर पठान मूवी लगी है। हमने जैसे आपको बताया था कि 2 घंटे हमको बिताने थे और 2 घंटे बीत चुके हैं और जो लास्ट घंटा है वो बचा है। देखें आप कैसे भीड़ बढ़ती जा रही है, लोग टिकट के लिए लाइन लगा रहे हैं, लेकिन टिकट जो है वो बिक चुकी हैं, पूरी सीटें जो हैं फुल हो चुकी हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हमने 2 घंटे पहले ही अपनी जो सीट थी वो बुक करा ली थी, 2 लोगों की सीट, जो मुन्ना भाई और हम देखने आए थे मूवी पठान, उसके लिए सीटें फुल हो चुकी हैं। बहुत ज़्यादा क्रेज़ है यहाँ पर, लोग बढ़ते जा रहे हैं, जो अंदर की जो अंदर जो लोग हैं वो बाहर आने के लिए अब रेडी हैं। कुछ समय बाकी है, इसके बाद अब हम अंदर जाएंगे और अंदर हम आपको दिखाएंगे कितना क्रेज़ है भाई साहब मूवी का, कितनी बेहतरीन मूवी है, कितनी ज़बरदस्त एक्टिंग है शाहरुख खान की उसमें। और क्या कह रहा है मुन्ना भाई, पूरी सीटें फुल हो गई?
150 वाले टिकट किसी को मिल नहीं रहा है, 150 वाला लेने के लिए परेशान है, खाली 70 वाला ही टिकट मिल रहा है। 70 वाला टिकट यहाँ पर सिर्फ बचे हैं, और जो भी आगे की सीटें हैं बस वो ही थोड़ी बहुत रह गई हैं, बाकी जो सीटें जो हमने पीछे बालकनी वगैरह की जो सीटें हमने बुक कराई हैं वो सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। भाई साहब क्या क्रेज है, आपको क्या बताऊँगा, अब अंदर अंदर जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा क्या है। अब मैंने मूवी नहीं देखी, लोग बता रहे हैं अच्छी मूवी है, ज़बरदस्त मूवी है, तभी हम देखने आए हैं, लेकिन भाई साहब पठान का क्रेज़ ओम फोन दर्राटे काट रही का मूवी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ पड़ चुकी है यहाँ पर बॉक्स ऑफिस के पास, और टाइम बहुत कम बचा है, लोग आ रहे हैं टिकट ले रहे हैं, टिकटें बिक चुकी हैं। 3:15 का जो शो है उसकी हमने टिकट आपको बताया था कि 2 घंटे पहले ही ले ली थी, लेकिन अब जो टिकटें हैं वो सारी बिक चुकी हैं और सीटें फुल हो चुकी हैं, और पब्लिक धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और जो अंदर पब्लिक है वो उनका निकलने का समय हो चुका है। तो अब हम अंदर जाते हैं और अंदर आपको दिखाएंगे कितनी कितना शोर है, कितना खराब है। देखिए निकल चुकी है पब्लिक, निकल रही है। भाई साहब क्रेज लगे मूवी का, देते जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए। लास्ट में आया हुआ मूवी का पूरे लास्ट में पब्लिक देखे भाई, हम लोग मूवी देख कर आए, बहुत ही जबरदस्त मूवी है भाई साहब। ये 6 बजे का शो लगा हुआ है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा यहाँ पब्लिक है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, और बहुत ही ज़बरदस्त मूवी हम लोग देख के आए, मज़ा आ गया भाई साहब। मूवी में जो लास्ट में गाना हुआ है भाई, पब्लिक का क्रेज था भाई, मज़ा आ गया भाई। मुन्ना भाई चल रहे हैं आप, और अब घर के लिए चलते हैं यार, बाय बाय, सी यू। सो फ्रेंड्स फाइनली अब हम घर के लिए रवाना हो रहे हैं, जैसे कि आप भी देख रहे हैं रोड। और भाई साहब मूवी की बात करें तो मूवी मुन्ना भाई बताएं कैसी थी? अरे मज़ा आ गया भाई, मूवी में मज़ा आ गया, बहुत ज़बरदस्त मूवी थी, क्या एक्शन था, क्या ड्रामा था भाई साहब, मज़ा आ गया। एक्शन सीन में तो बहुत ज़बरदस्त मूवी थी। अगर आप लोगों को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हम मिलते रहेंगे अच्छे अच्छे ब्लॉग के साथ, तो थैंक यू।